हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एज यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, जैसे कि आप सभी ने अपने आसपास बहुत से एनिमल्स देखे होंगे जो अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, बर्ड्स लाइक स्पैरो, स्क्वायरल, बटरफ्लाई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स भी बनाई हैं जो कि आपको नजर आ रहा है। मैंने उनके नीचे नेम भी मेंशन किए हैं, जैसे फिश, डक, फ्रॉग, डॉग, गॉट, शीप, स्पैरो। आप भी इस तरीके से कुछ पिक्चर्स बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो आइए पहले काइंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है काइंड्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट वन इज लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, एम्फीबियंस और वाइल्ड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं? आर दोज एनिमल्स लिव ऑन लैंड। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, काउ, हॉर्स, शीप एंड कैमल। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स लैंड एनिमल्स शो किए हैं, जैसे गोट, डॉग और शिप। तो बच्चों का पिक्चर बनाकर ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद आता है वाटर एनिमल। दोज एनिमल्स लिव इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, फिश, शार्क, व्हेल एंड ऑक्टोपस। जैसे मैंने यहाँ पे फिश और डक बनाई है और यहाँ पे वाटर बनाया है। उसके बाद आता है एम्फीबियंस। लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग, टॉर्टोइस, डक, क्रोकोडाइल। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों में रहते हैं। मैंने यहाँ पे एक जैसे फ्रॉग बनाया भी है जो पानी में भी रह रहा है और पानी के अलावा लैंड पर भी वो रह सकता है। उसके बाद आता है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, लॉयन, टाइगर, जेब्रा एंड जिराफ। उसके बाद आता है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच वी कीप नियर आवर होम्स। ऐसे एनिमल्स जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ, गोट, हेन एंड शिप। इनको हम कैटल वगैरह में जगहों पे रखते हैं, अपने घर के बिल्कुल अंदर नहीं रखते हैं, थोड़ा बाहर रखते हैं और इनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं। उसके अलावा आता है पेट एनिमल्स विच वी कीप इन आवर होम्स। फॉर एग्जाम्पल, कैट, डॉग, पैरट। पेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पालतू पशु होते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं। उसके बाद आता है बर्ड्स। बर्ड्स हैव टू लेग्स, दे हैव विंग्स, विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स के दो लेग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं और पंखों की मदद से वो उड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच और पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। डक्स एंड स्वैम कैन स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर तैर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर एंड हाउस फ्लाई। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब मैं उससे रिलेटेड मैचिंग कराती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं और यहाँ पर उससे रिलेटेड कि वो किस कैटेगरी के हैं। जैसे यहाँ पे एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ रहता है? लैंड। उसके बाद वेल, वाटर, क्रोकोडाइल, लैंड एंड वाटर, डॉग, होम, इंसेक्ट्स, सिक्स लेग्स, बर्ड्स, टू लेग्स। तो इस
तरीके से आप बच्चों को मैचिंग करा सकते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे मैचिंग कराई है। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले आता है कंगारू इज अ डैश एनिमल। कंगारू कैसा एनिमल है? वाइल्ड एनिमल। शिप इज अ डैश एनिमल। शिप कौन सा एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल। पेंगुइन कैन नॉट डैश, कैन नॉट फ्लाई। इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। कितने लेग्स होते हैं? सिक्स। नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स। द कैमल इज अ वाटर एनिमल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। द लायन गिव्स अस मिल्क। फॉल्स। द गॉड लिव्स इन द फॉरेस्ट। फॉल्स। ए बर्ड हैज टू लेग्स। ट्रू। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम टू लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? काउ, डॉग। नेम टू वाटर एनिमल्स। फिश, व्हेल। नेम अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। Where does an elephant live? Elephant live in forest. What help insects to fly? Wings. तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करा सकते हैं। तो जो मैंने ये वर्कशीट बनाई है, पूरी वर्कशीट के अलावा जिस तरीके से मैंने चैप्टर में ये कैटेगरीज बनाकर जो एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से अगर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर होगा कि लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं, वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, एम्फीबियंस क्या है। तो ये सब अगर आप चार्ट की मदद से बनाएंगे और कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके बनाएंगे तो बच्चों को बहुत आसान से समझ में आ जाएगा कि इन सभी एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।